एक्चुअली रोल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा बिकॉज कोमल बहुत ही अच्छे घर से हैं, उसकी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है या ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं। माँ बाप जहाँ शादी कर देते हैं या माँ बाप जहाँ बोलते हैं वहाँ शादी कर लेती हैं वो, और उसी में वो खुश है। बट उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने हस्बैंड से, जैसे उसके कुछ फैंटेसीज़ है कि शादी के बाद क्या होना चाहिए या शादी के बाद हनीमून कहाँ होना चाहिए, ये उसकी ख्वाहिश है। तो वो उसको बोलती है कि शादी के पहले दिन भाग जाने के लिए, और वहाँ से हम लोग जो भागते हैं, हम लोग एक लोकेशन पर जाते हैं वाड़ा हाइटकॉल, तो वहाँ पर जाने के बाद हमें मिलता है प्रियदर्शन। प्रियदर्शन जो है ही इज़ प्लेइंग अ घोस्ट इन दिस फिल्म अपेरेंटली, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई कैन से, बिकॉज बहुत सी अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं मैंने कि जब कुछ हॉरर फिल्म का शूट करते हैं तो कैसे शूट किया जाता है, क्या शूट किया। और अनिकेत और प्रियदर्शन के बारे में मैं ये बोलूँगी कि वो दोनों बहुत एक्सपीरियंसड और माहिर एक्टर हैं, बट उनके साथ काम करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे मैं नहीं हूँ या फिर वो मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही है या फिर जो मुझे जहाँ चीज़ आती नहीं, क्योंकि कॉमेडी ये जॉनर मेरे लिए नया था या कॉमेडी ये जॉनर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो उसके लिए भी जो प्रैक्टिस लगती थी ये थी, वो उसमें सब में मुझे इन्वॉल्व कर लेते थे। और कोमल क्लियरली करते हुए मैंने, मतलब मुझे लगता है कैमरा के सामने आज तक मैं कभी ऐसे बोल्ड रोल में या फिर ग्लैमरस रोल में नहीं आई हूँ जो कोमल है एक्चुअली। तो कोमल प्ले करते हुए तो मुझे बहुत मजा आया है और बहुत अच्छा लगा है, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल और सही लगा है, आई गेस लोगों को भी सही लगा है। मैडम माला असं वाटतं की लोकांनी दोन तास निखळ हसण्यासाठी यावं, मनोरंजनासाठी यावं, बाकीचे त्यांची सगळे टेन्शन स्ट्रेस सगळ्या घरी सोडाव्यात, आणि फिल्म एक नवीन मसाला येतो, नवीन काहीतरी आम्ही त्यांना एंटरटेनमेंट देऊ पाहतो आहे। कारण आम्ही जरी काही सिरियस सिच्युएशनमध्ये असलो आम्ही तिघं, तरी आमची फॅमिली जी आहे ती फार कॉमेडी आहे, आणि ती अशी कॉमेडी नाही आहे पण ती सिच्युएशनल कॉमेडी करते जिथे तुम्हाला हसायला येतंच। भारत दादा आहे, अंशुमन विचारे आहे, प्रिया गमरे आहे, सो ह्या सगळ्यांनी जी खिचडी पकवली ती बघण्यासाठी आणि आम्ही काय केलं तिघांनी मिळून किती धम्माल केली ते बघण्यासाठी तरी नक्की या 23 नोव्हेंबरला माझ्या बायकोचा प्रियकर। थँक्यू।